बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और यह है वीआईपी शेयर का। और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी साहब। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? जी, जो स्टॉक आज मैंने आइडेंटिफाई किया है वो फर्टिलाइजर क्षेत्र से दीपक फर्टिलाइजर को खरीदने की सलाह रहेगी। पर ये कंपनी सिर्फ फर्टिलाइजर कारोबार में नहीं है, यदि इसका रेवेन्यू का ब्रेकअप देखे तो जो माइनिंग और इंडस्ट्रियल केमिकल है, अब उसका जो पोजिशन है वो 57% रेवेन्यू हो गया, फर्टिलाइजर सिर्फ 43% के आसपास का रेवेन्यू है। लास्ट जो क्वार्टर वन के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और हमने देखा कि अच्छे नतीजे कंपनी के क्वार्टर ओवर क्वार्टर रहे हैं और 20% का एबिटा मार्जिन भी मेंटेन्ड है। स्टॉक ऑलरेडी इस साल में हमने देखा 450 रुपए से बढ़ के करीब 990 रुपए तक आ गया था और अभी 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए के ऊपर का बिल्कुल यहाँ पर टारगेट रखा जा सकता है। और जहां तक फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि जो 457 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस साल कम से कम वो 900 करोड़ के आसपास का है, तो करीब 60 रुपए ईपीएस इस साल ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो अभी भी स्टॉक 15-16 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर मिल रहा है और यहाँ पे भी काफी वैल्यू नजर आती है। तो दीपक फर्टिलाइजर्स पर खरीदारी की राय, 1000 तक के लेवल्स अगले 6 महीने में दिखाई दे सकते हैं और फंडामेंटल्स की बात करें तो स्टॉक काफी अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच इमामी के नतीजे आ गए हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। रेवेन्यूज की बात करें तो करीब 10% का उछाल दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन 25% पे आया है वर्सेस 24% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। अनुमान के मुताबिक ही नतीजे रहे हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है अनुमान से कंपेयर करें तो। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 150 करोड़ पे पैट आया है, 10% का ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा। स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में गिरावट दिखी है, लेकिन इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। नागराज, क्या राय बनेगी इमामी पर नतीजों के बाद? मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। रिसेंटली हम कहीं एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम इसमें दिखने को मिला है, एक हायर लेवल पे अराउंड 850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। क्योंकि निचले स्तर में अराउंड 800 का 790 800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, उधर से एक उसकी खरीददारी दिखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से एक निचले स्तर वेट करना चाहिए एक अच्छा खासा बाउंस के लिए। बिल्कुल, तो ये राय है इमामी पर नतीजों के चलते स्टॉक में एक्शन दिखा है। लेकिन